हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल बबीता मेहरा। और आज की स्पेशल रेसिपीज देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूले। यहाँ पर मैंने 5 पैकेट मैगी लिया है और सभी मैगी को एक साथ ही उबाल लेंगे। पानी गर्म हो गया है तो इसमें अब एक एक करके मैगी डाल लेंगे। सभी मैगी डल गया है तो अब इसे 2 मिनट तक ही उबालना है। मैगी ज़्यादा ना उबाले, 75% तक ही उबाले। देखिए मैगी उबल गया है तो अब इसे निकाल लेते हैं। देखिए मैगी में बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं है और इसी तरह का मैगी हमें उबला हुआ चाहिए था। पैन में 1 चम्मच तेल डालें। तेल अब गर्म हो गया है तो इसमें ग्रेट किया हुआ लहसुन डालें। लहसुन डालकर इसे भी थोड़ा सा भून लेना है। लहसुन अब भूनने लगा है तो इसमें कटा हुआ पनीर डालेंगे। पनीर 100 ग्राम है। पनीर डालकर भी इसे 2 मिनट तक भून लेना है। पनीर भूनने लगा है, इसका कलर आ गया है तो अब इसमें कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे, कटा हुआ प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ गाजर डालेंगे। सभी वेजिटेबल डालकर इसे भी 2 मिनट तक भून लेना है। अब इसमें बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च डालकर भी अच्छे से भून लेना है। अब ये भून गया है तो 1 कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर भी इसे 1 मिनट तक भून लेना है। अब ये भून गया है तो अब इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1/3 टीस्पून, पिज़्ज़ा ऑर्गेनो 1/3 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, टमाटो केचप 2 बड़े चम्मच। सभी डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे। अब ये भून गया है तो इसमें उबला हुआ मैगी डालेंगे। अब मैगी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे फोक की हेल्प से आप कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। पनीर चिली मैगी बन के तैयार है। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालें। इसमें 1 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालें, बारीक कटा हुआ प्याज डालें। इसे डालकर 1 मिनट तक भूनें। अब ये भून गया है तो इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डालें, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालें, बारीक कटा हुआ गाजर डालें। सभी वेजिटेबल डालकर इसे भी 1 मिनट तक भून लेना है। अब ये भून गए हैं तो इसमें सोया सॉस डालेंगे 2 बड़े चम्मच, टमाटो केचप डालेंगे 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसे डालकर इसे भी भून लेना है। इसमें उबला हुआ मैगी डाल देंगे। मैगी डालकर भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। इसमें नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, पिज़्ज़ा ऑर्गेनो डाल दें 1/3 टीस्पून,
पिज्जा ऑर्गेनो डालने से हमारा चौमिन स्टाइल मैगी और भी टेस्टी बनेगा। इसे डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। विनेगर डालें 1 चम्मच, इसे डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। और ये हमारा चौमिन स्टाइल मैगी बन के तैयार है। मैक्रोनी उबालने के लिए पहले पानी में 1 चम्मच तेल डालें, 1 चम्मच नमक डालें। अब इसमें मैक्रोनी डालें। यहाँ पर मैंने 1 कप मैक्रोनी लिया है। मैक्रोनी डालकर इसे मिक्स कर दें। इसे ज़्यादा देर नहीं उबालना है, 2 मिनट में ही उबल जाता है। 75% तक ही पकाना है इसे। उबाल आ गया है और ये उबल गया है तो इसे निकाल लेते हैं। पैन में 1 चम्मच तेल डालें, इसमें ग्रेट किया हुआ लहसुन डालें, लहसुन को 1 मिनट तक भून लें। लहसुन अब ब्राउन हो गया है तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज डालकर भी इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। अब ये भून गया है तो टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर का पेस्ट डालकर भी इसे भून लेना है। इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसे 1 मिनट के लिए ढक देंगे। अब ये देखिए हमारा टमाटर प्याज गल गया है, तो अब इसमें मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच डालेंगे। पिज्जा ऑर्गेनो 1/3 चम्मच डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1/3 चम्मच। इसे डालकर इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये मसाला भुन गया है तो इसमें टमाटर केचप डालेंगे 2 बड़े चम्मच। इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे। पानी डालकर इसे 1 मिनट तक पकाना है। अब इसमें उबाल आने लगा है तो उबली हुई मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो गया है तो 1 मिनट तक इसे ढक के पकाना है। अब ये देखिए हमारा मैक्रोनी पक गया है। तो अब हम इसमें चीज डालेंगे। 1/2 कप मोजरेला चीज लिया है। चीज को अच्छे से फैला के इस तरह से डालें। इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें इस तरह से। अब इसे 1 मिनट के लिए ढक के पकाएं। अब हमारा चीज पास्ता बन के तैयार है। पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें ग्रेट किया हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन अब भुन गया है तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे।
प्याज डालकर भी इसे अच्छे से भून लेना है। प्याज अब भुन गया है तो प्याज को एक मिनट के लिए ढक के पकाना है। देखिए प्याज कितना अच्छे से गल गया है। तो अब इसमें एक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटर डालकर भी इसे अच्छे से भून लेना है। अब ये भुन गया है तो इसमें मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गर्म मसाला 1/2 टीस्पून। इसे डालकर इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, शिमला मिर्च कटा हुआ डालेंगे, गाजर कटा हुआ डालेंगे। इसे डालकर इसे भी 1 मिनट तक भून लेंगे। इसे 1 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। अभी हमारा वेजिटेबल पक गया है। तो इसमें 1 चम्मच चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें उबला हुआ मैक्रोनी डालेंगे। मैक्रोनी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1/3 टीस्पून, गार्लिक सीजनिंग डालेंगे 1/3 टीस्पून, पिज़्ज़ा ऑर्गेनो डालेंगे 1/3 टीस्पून। अगर ये सब आपके घर में नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। इसे डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप तंदूरी मेयोनीज डालेंगे। आप कोई सा भी मेयोनीज का यूज़ कर सकते हैं। इसे डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा मैक्रोनी पास्ता बनके तैयार है। आप भी ये रेसिपीज ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।